हेलो एवरीवन, आज का जो क्वेश्चन है वो ट्रिगोनोमेट्री से लिया गया है। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 साइन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 70 डिग्री। अब देखिए, जो एंगल है ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में नहीं आ रहा है, डेट मीन्स हमें पता लग जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से लिया गया है। लेकिन ये जो टेन स्क्वायर 45 है, टेन 45 का वैल्यू तो हमें पता है, तो इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे। सो देखिए, ये 3 साइन स्क्वायर 20 डिग्री और इसके बाद हम इस वाले को लिख लेंगे प्लस 3 साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि हम जो भी प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें लगाएंगे, क्योंकि 20 प्लस 70 बिकम्स 90, है ना। सो दोनों में से एक को फिक्स रखना पड़ेगा, तो मैं 3 साइन स्क्वायर 20 डिग्री को फिक्स रखता हूँ प्लस 3 साइन स्क्वायर 70 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 20, है ना, माइनस 2 टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1, उसका स्क्वायर कितना इजी था। देखिए, 3 साइन स्क्वायर 20 प्लस 3, अब मुझे पता है साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सिमिलरली साइन 90 माइनस 20 विल बी कॉस 20, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर ले लिया मैंने, माइनस 2, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। सो फिर देखो, यहाँ पर और यहाँ पर आप देख सकते हो 3 कॉमन है, सो 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 2 इंटू 1 2, और सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। देखिए आंसर आ गया, कितने इजी था, इजंट इट। बस याद रखना है, कभी भी जो एंगल दिए रखा हो वो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पे लाई नहीं करता है, दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे जाना पड़ेगा। ओके गाइस, थैंक यू।